हाँ, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोनेटिक्स के बारे में। तो अब ये फोनेटिक्स क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। फोनेटिक्स जो होता है कि हम मनुष्य प्राणी ध्वनि कौन कौन से उत्पन्न करते हैं और कैसे करते हैं, इसका अभ्यास करना मतलब फोनेटिक्स हो गया। अब यहाँ पर जैसे कि फोनेटिक्स केवल और केवल उत्पन्न होने से नहीं होता है, इसके हम बोल सकते हैं फोनेटिक्स के कई आयाम हैं। अब देखो, सबसे पहला आपका आयाम है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स मतलब आपका जो वोकल एपरेटस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, यहाँ देखिए, मैं जरा देख, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जब आप कुछ बोलते हैं तो यहाँ आपको हल्की सी कुछ हलचल दिखाई देती है। आप टच करो, आप बोलो कुछ, तो अपने आप ही आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ हो रहा है, कुछ कंपन हो रहा है, कुछ वाइब्रेशंस आ रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका वोकल कॉर्ड है, जिसे हम लोग स्वर रज्जु भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्वर रज्जु। अब ये जो वोकल कॉर्ड है, फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं कि जब आप कोई भी वाक्य बोलते हैं या फिर कोई भी स्वर या व्यंजन का उच्चारण करते हैं, तो आपके कई सारे अवयव उसमें उपयोग में आते हैं, जैसे कि दांत है, ओठ है, आपकी जिह्वा है, फिर आपका जो पलैटल रीजन है, तालव्य है, ये सारी अवयव आपके उपयोग में आते हैं उच्चारण के लिए। तो हमेशा जैसे आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में हम लोग अभ्यास करते हैं कि हम ध्वनि का उत्पादन कैसे करें, मतलब ध्वनि को उत्पन्न कैसे करें। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में हम अभ्यास करेंगे द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, मतलब मुझे प बोलना है तो दोनों ओठों को मिलाकर मुझे प बोलना है, प, ठीक है। उसके बाद में अगर मुझे त बोलना है तो मुझे मेरी जिह्वा को दांत से सटाना है, त, आप बोलो त, ठीक है। तो ये जो अभ्यास है, मतलब हर स्वर का या हर व्यंजन का उच्चारण करने के लिए आपको किसी न किसी अवयव का उपयोग करना पड़ता है, और उस अवयव को एक तरीके से, एक दिशा की तरह से आप मूव करते हैं उसे, उसका उसकी हलचल करते हैं, तो हम इसे बोलेंगे आर्टिकुलेशन। और इस अभ्यास को कि ये आपकी ध्वनि कैसे उत्पन्न हो रही, उसे हम बोलेंगे आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं जो बता रही हूँ, आपको नोटिंग भी करनी है। अब उसके बाद में दूसरा फोनेटिक्स का जो प्रकार है वो है ऑडिटरी फोनेटिक्स। ऑडिटरी फोनेटिक्स क्या है कि जब हम लोग स्पीच साउंड या फिर जो ध्वनि हो उत्पन्न हो रही है, कोई बोल रहा है, फिर हम लोग सुन रहे हैं, तो उसे उसे भी हम अभ्यास करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ऑडिटरी फोनेटिक्स। ऑडिटरी फोनेटिक्स मतलब एक है आपका आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, जिसमें कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है उसका अभ्यास करते हैं। दूसरा है ऑडिटरी फोनेटिक्स, जैसे कि ध्वनि कैसे सुनाई देती है, कैसे हम लोग उस स्पीच को किस तरीके से सुनते हैं, या फिर हाउ द ह्यूमन बींग्स लिसन टू द स्पीच साउंड, उसका अभ्यास। तो पता है कैसे सुनते हैं, जैसे कि मैंने आपको आर्टिकुलेटरी के बारे में बताया कि त बोलना है तो इस तरीके से बोलना है, तो सुनना भी है। मान लो कि मुझे ऋतिका को बोलना है, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं बेटा दोनों भी, तो क्या प्रक्रिया हो रही है, पता है क्या हो रही है कि यस, ऑडिटरी फोनेटिक्स की प्रक्रिया हो रही है, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ वो आपके कान तक जा रहा है। कान तक ही नहीं जा रहा है, बल्कि आपके कान में ऐसी कुछ यंत्रणा है, कॉकलिया है, ठीक है, उसके बाद में ईयर ड्रम है, वो ईयर ड्रम से वो जो है वो टकरा जाता है आवाज़, फिर उसके बाद में कॉकलिया है, उसके बाद में बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स है, उसके बाद में फिर ईयर की नर्व्स जो अपने मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे अवयव उसमें काम कर रहे हैं आपके सुनने की प्रक्रिया में, तो हम इस प्रक्रिया को बोलेंगे ऑडिटरी फोनेटिक्स। अब तीसरा प्रकार जो है आपका फोनेटिक्स का, वो है अकस्टिक फोनेटिक्स।
अकस्टिक फोनेटिक्स। अब अकस्टिक फोनेटिक्स का मतलब है कि हमें जी अकस्टिक अकस्टिक का मतलब पता है आपको? अकस्टिक का मतलब होता है, अकस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, एक भौतिक शास्त्र की ब्रांच है जिसमें कि ध्वनियों का अभ्यास किया जाता है। और इस ध्वनियों का अभ्यास जब हम करते हैं तो अकस्टिक एक जनरल टर्म हो जाती है, बट अगर हम इसे फोनेटिक्स के साथ जोड़ते हैं तो मनुष्य प्राणी जो ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं उसके संबंध वाला अभ्यास हो जाता है अकस्टिक फोनेटिक्स। तो अकस्टिक फोनेटिक्स में हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल साउंड का कोई फ्रिक्वेंसी होती है, पता है आपको? हम बोलते हैं ना कि फ्रिक्वेंसी होती है, पिच होता है, टोन होता है, ट्रिम्बल होता है, पता है आपको? हाँ पता है। तो जैसे कि यूजुअली बोला ये जाता है कि मनुष्य प्राणियों में मेल और फीमेल ये जो डिस्टिंक्शन है, स्त्री और पुरुष, तो स्त्री के आवाज़ की जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा रहती है, पुरुष की आवाज़ की फ्रिक्वेंसी कम रहती है, ठीक है ना? तो वैसे ही बच्चे के आवाज़ की फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा रहती है। तो ये क्या हो गया ना, मैंने अभ्यास किया उस ध्वनि के कुछ गुणधर्मों का, भौतिक गुणधर्मों का, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मैंने अभ्यास किया, तो मैं इसे क्या कहूँगी? अकस्टिक फोनेटिक्स। आ रही बात तीनों को समझ में? तीन चीज़ें मैंने बताई, अकस्टिक फोनेटिक्स, ऑडिटरी फोनेटिक्स और आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, ठीक है? इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना है? नहीं पूछना है, वेरी गुड। तो अब यहाँ पर मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। दिख रही है मेरी स्क्रीन? हाँ, आपको अभी मुझे बताना पड़ेगा यस मैम नो मैम करके, क्योंकि स्क्रीन शुरू होने के बाद में मैं आपको नहीं देख पाती हूँ। हाँ प्रशांत, यस मैम, पढ़ो बेटा ये जो लिखा हुआ है। अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट स्टडीज हाउ ह्यूमन मेक एंड प्रिवेसिव साउंड्स। हाँ परसीव्स साउंड, मतलब यहाँ पर फोनेटिक्स के बारे में लिखा गया है। फोनेटिक्स क्या है? एक ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स है, एक ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स जिसमें कि हम लोग ध्वनि का अभ्यास करते हैं। ध्वनि का अभ्यास कैसे करते हैं कि प्रोडक्शन कैसे होता है और परसीव भी कैसे होता है, मतलब ऑडिटरी और अकस्टिक फोनेटिक्स। जैसे मैंने ये तीनों चीज़ें बताई आपको, आर्टिकुलेटरी बताया, ऑडिटोरी बताया, अकोस्टिक बताया, तो ये तीनों का अभ्यास करना ये फोनेटिक्स है, ठीक है? अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट स्टडीज हाउ ह्यूमन मेक एंड परसीव द साउंड्स। अब देखो हम लोग बात करेंगे ना, शुरू में बात करेंगे और हमारा फोकस खास करके जो रहेगा ना वो रहेगा आपका आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स पर। अब आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स क्या है ये जानने के पहले हमें समझना पड़ेगा कि भैया हमारा जो वोकल एपरेटस है, हमारी जो वाक या ध्वनि उत्पादन की जो यंत्रणा बनी हुई है वो क्या है और वो कैसी है और उसके नाम क्या क्या है। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप? Yes, ma'am. हाँ तो आपको एक मैं काम देती हूँ कि जितने भी यहाँ पर अवयव है
वो सारे अवयवों को आपको हिंदी में बताना है मुझे, ठीक है? ये सारे अंग्रेजी में है, ये सारे हिंदी में आपको बताना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, लिप्स है यस मैम, यहाँ, ठीक है। यस मैम, हाँ, उसके बाद में टिथ है, यस मैम, दांत। उसके बाद में ये देख रहे हैं आप, टंग, टंग है, और ये टिप ऑफ टंग है, दिख रहा है आपको? यस मैम, हाँ, आप डायग्राम की तरफ आराम से, मतलब ध्यान से देखिए, मैं उसको हाईलाइट भी कर रही हूँ। ये आपका लोअर लिप है यस मैम, लोअर टीथ, और ये लोअर टीथ है, दिख रहा है आपको? अब यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो है ये आपकी नेजल कैविटी है। यहाँ ये नाक दिख रही है आपको, यस मैम, और ये जो दिख रहा है ये पूरा उसका नजल कैविटी है, ठीक है? अब ये जो पोजीशन है टंग की, ये रेस्ट पोजीशन बताई गई है, और यहाँ पर ये एल्वियोलर रिज है। एल्वियोलर रिज, एल्वियोलर रिज का मतलब पता है क्या है? ये दिख रहा है आपको? यस हाँ, मैम, एल्वियोलर रिज का मतलब है कि देखो, दांत के ठीक पीछे का जो हिस्सा होता अगर है, जो बहुत हार्ड होता है। आप अपना, आप खुद टच करके भी देख सकते हैं, दांत की जो पीछे का जो ये होता है ना, थोड़ा सा हार्ड सा होता है, उसे हम लोग एल्वियोलर रिज कहते हैं, एल्वियोलर रिज। फिर इसके पीछे में जो रीजन होता है उसे हम लोग पैलेट कहते हैं, पैलेट। ये दिख रहा है आपको? आप अपना भी एक्सपीरियंस कीजिए कि आपका पैलेट कहाँ पर है, पैलेट। फिर मैम, ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पर पैलेट के ठीक पीछे का जो हिस्सा है वो है आपका वेलम, इसे हम बोलते हैं वेलम। और ये जो वेलम का एंड है उसे हम लोग यूवुला बोलते हैं, यूवुला। अब यहाँ देखो, यूवुला जब हम लोग बात करते हैं तो यूवुला यहाँ पर आगे पीछे होता है, यहाँ पर आगे पीछे होता है, और एक छोटा सा अवयव यहाँ दिखता है आपको, जिससे हम लोग इपिग्लॉटिस बोलते हैं, इपिग्लॉटिस। यहाँ ये इपिग्लॉटिस। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये आपका है लैरिंग्स, ये जो पोर्शन है ये दिख रहा है आपको, लैरिंग्स। फिर यहाँ पर आपका एक एक जो जिसे बोलते हैं ना कि ये जो तंतु है, या फिर ये स्वर रज्जु है, स्वर रज्जु के बीच में जो एक स्पेस होती है उसे ग्लॉटिस कहते हैं, ग्लॉटिस, ठीक है? ग्लॉटिस कहते हैं स्वर रज्जु के बीच में जो स्पेस होती है उसे। जैसे कि मान लो ये सारे स्वर रज्जु है, तो इसके बीच में जो स्पेस होती है इसे हम लोग ग्लॉटिस बोलते हैं, और आपका ये नीचे में ट्रोकिया। तो आपने ये जो डायग्राम देखी है इसे हम लोग हिंदी में मानव मुखर यंत्र भी बोलते हैं, वोकल एपरेटस भी बोलते हैं, ठीक है? अब ये जितना भी आपने लिखा है इसका हमें हिंदीकरण करना है, ठीक है ना? तो कल कौन करेगा भाई? प्रशांत, आप कर पाएंगे? यस हाँ, चलो मैम, ठीक है। अब इसके कुछ एडजेक्टिव्स हम समझ लेते हैं, जैसे लिप्स है, तो लिप्स को लेबियल एडजेक्टिव, उसका लेबियल हो गया। तो जो लिप्स से साउंड निकलते हैं उसे हम लोग लेबियल साउंड बोलते हैं। टीथ का एडजेक्टिव हो गया डेंटल, दंत बोलते हैं, दंत। लेबियल को ओष्ठ बोलते हैं, ठीक है? तो जिस का उच्चारण, जिन ध्वनियों का उच्चारण
दांत के माध्यम से होता है, उससे हम लोग डेंटल साउंड या फिर दंत ध्वनि बोलते हैं। फिर एल्वियोलर रिज से सट के जो साउंड निकलते हैं उसे हम लोग एल्वियोलर साउंड बोलते हैं। पलाइटर से लेके तो हम लोग पलाइटल साउंड बोलते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। वेलम, फिर वेलर साउंड उत्पन्न होते हैं। यूगुला से यूगुलर साउंड, लैरिंग से लैरिंजियल और ग्लॉटिस से ग्लॉटल साउंड। अब ये जो आपने देखा है इसको हम एक्चुअल में हमारा जो सेट है अल्फाबेट्स का, जैसे स्वर और व्यंजनों का, तो ये स्वर और व्यंजनों का जो सेट है उस सेट के आधार पर कौन सा साउंड कौन से प्लेस से आता है और कौन सा के मतलब उसका मैनर कैसा है, ये हम लोग ज़रा अभी धीरे धीरे आगे बढ़ के बात करेंगे। तो एक बार रितिका आप जरा रिवाइज करो तो ये सारे जो जितने भी अवयव बताए हैं, प्लेसेस बताए हैं, बहुत आसान है, सामने ही है, आपके स्क्रीन के सामने ही है, एक बार पूरा एक बार सब बता दो। मैम कैसे, मैम फिगर को रीड करें? जी जी जी, फिगर को रीड करो। पहले ये लिप, अपर लिप है, फिर टिथ है, फिर एल्वियोलर रिज, ये टिथ के जस्ट पीछे वाला पार्ट होता है, उसके ऊपर यहाँ पे नाक के पीछे अंदर के तरफ नसल कैविटी होता है, फिर इधर आता है पैलेटे जो एल्वियोलर के बाद जस्ट होता पैलेट है, बोलते पैलेट पैलेट पैलेट, पे उसके बाद वेलम, उसके बाद युवला, ये सब ध्वनि उच्चारण में। क्या टंग है? टंग के साम टंग टिप टिप उसका टंग का टिप है, उसके पीछे पे टंग रेज्ड जो अंदर का पार्ट है, फिर उसका रेस्ट बाकी का पोजीशन, फिर उसके नीचे हम लोग आते हैं एपिग्लॉटिस, लार्नेक्स, लैरिंग्स, देन ग्लॉटिस जो कि स्पेस होता है वोकल फोल्ड्स के बीच का खाली जगह, बट ट्रेचिया, ठीक है। और यहाँ पर प्रशांत आप एडजेक्टिव पढ़ सकते बेटा, जो प्लेसेस है और प्लेसेस के रिस्पेक्टिव एडजेक्टिव्स बने हुए हैं। यस मैम, हाँ वो पढ़ो। लिप्स का लेबियल है, टीथ का डेंटल है, एलोवर का एलोवर रिज का एलोवर है, और प्लेट का पैलेटल है, और वेल्यूम का वेलियर है, वेलर है, वेलर है, और यूलिवा का यूलिवर है, लैरिंक्स का लैरिंगियल है, ग्लोटिस का ग्लोटल है। ठीक है, तो ये जैसे इसमें बहुत कुछ चीज़ें मुझे बतानी तो थी नहीं, केवल और केवल ऐसा है कि आपको ये सारे भाग पता होने चाहिए। जब आप इन भागों से रूबरू होंगे या आपको ये समझ में आएगा तब जाके आपको पता चलेगा कि हर स्वर का या फिर हर व्यंजन का किस तरीके से आर्टिकुलेशन होता है, मतलब किस तरीके से उसकी उसका वो कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये जो पूरा डायग्राम है इसे आपको कल आते वक्त हिंदी में करना है। मैं यही डायग्राम खोलूंगी और यहीं पर हिंदी के मैं नाम लिखूंगी। ठीक है? ओके मैम। हाँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि आप अभी भी कर सकते हैं, वो अगर मैं 10-15 मिनट दूँ तो हो जाएगा। हाँ बोलो मैम, कुछ तो हो सकता है लेकिन पूरा नहीं, पूरा नहीं। हाँ तो चलो एक काम करते हैं ना, अभी आपका समय शुरू होता है, 5 मिनट के अंदर जितने होते उतने बताओ। चलो ठीक है, मैं इस स्क्रीन को ऐसे ही रखती हूँ।
हाँ रितिका, यस मैम, चल रहा है? यस मैम। प्रशांत है वहां पर? यस मैम। ठीक है करो।
हाँ बेटा ढूंढ लेंगे। वेरी गुड। चलो तो पहले अभी आप बताएंगे, प्रशांत आपका क्या स्टेटस है बेटा, आपने ढूंढा है? यस मैम। तो चलो एक एक करके बता दो। हाँ टीथ लिप्स बताओ। रितिका शुरू हो जाओ बेटा। मैम लिप्स को होंठ कहते हैं, टीथ को दांत कहते हैं, टंग टिप होंठ ठीक है, दांत टंग टिप को जीप कहते हैं। जीप का नो क्या अगला भाग एकदम। हाँ जीप का अगला भाग। ठीक है ठीक है। प्रशांत बताइए। मैम उसके बाद एलोरियल रेज का वायु कोसी है। वायु वायु कोसी है। कोसी है जी। ठीक है। पैलेट का तालू तालू मुंह में तालू। हाँ ठीक हाँ ठीक। वेलम 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 का नहीं मैम। मैम कोमल तालू वेलम कोमल तालू। सॉफ्ट पैलेट भी बोलते हैं। पैलेट भी बोलते हैं। युवला युवला अली जी। हाँ अली जी। हाँ छोटा ली है। यस मैम। इपिग्लॉटिस इपिग्लॉटिस का मैम उपकंठ है या कंठ। लैरिंग्स लैरिंग्स का गला गला। ठीक है मैं जो लिख रही हूँ वो आपको दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा है। यस मैम यस मैम। ग्लॉटिस ग्लॉटिस उपजिहा ट्रोकिया ट्रोकिया श्वास नली वायु नली। वही हुआ श्वास नली वायु नली दोनों लिख देती हूँ। लिख देती हूँ। और कुछ बचा है? नसल कैविटी नाक का छेद। क्या क्या नाक का छेद नसल कैविटी कैविटी। चलो हो गया ऑलमोस्ट ये। यस मैम। तो आपको ये सारे अवयव ध्यान में रखने हैं। अब खास करके कौन से अवयव ध्यान में रखने हैं ये मैं बता देती हूँ आपको। ये जो आपको दिख रहा है ना कौन सा वाला यहाँ से दांत ओठ जीवा आपको अच्छे से पता है। उसके आगे के यूज टू नहीं है ना आप। तालू हो गया कोमल तालू हो गया युवला अली जीवा इपिग्लॉटिस ग्लॉटिस इससे ज़्यादा परिचय नहीं होता है क्योंकि जब हम लोग कुछ एग्जाम पढ़ते हैं एखादा साइंस का पेपर देते हैं तो उसमें फिर हम लोग रट के पास हो जाते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ये जो पोर्शन है जो मैं यहाँ पर इंगित कर रही हूँ इसे आपको ध्यान में रखना है। बाकी तो ये सारा हमारे यूज टू वाला है जो हम हमेशा ही इसके बारे में बात कर सकते हैं। पता है आपको दांत जीभ ओठ केवल एल्वियोलर रिज हो गया तालू हो गया अली जीवा इपिग्लॉटिस उपजीवा ये सारी चीज़ें आपको ध्यान इसलिए रखनी कि उसका उसकी जगह ध्यान में रखनी है। अगर मैं उपजीवा बोल दूंगी या ग्लॉटिस बोल दूंगी तो फट से आपको पता रहना चाहिए कि भैया स्पेस बिटवीन द वोकल फॉल्स ठीक है
प्रशांत। हाँ, अगर उपजीवा में बोलती हूँ तो वो क्या है, आपका स्वर रज्जु के बीच वाला जो स्पेस है वो है, फिर आप कहीं ग्लॉटिस कहीं और बताएंगे तो गलत हो जाएगा, फिर उसका लोकेशन आपको ध्यान में रखना है। वेलम अगर मैं बोलती हूँ, कोमल तालु, तो आप अगर जीभ को आपको पीछे लेके जाइए, आपके जीभ को जो पैलेट है पैलेट के ठीक पीछे लेके जाइए, तो वो सॉफ्ट पैलेट मतलब थोड़ा सा कोमल या फिर नरम भाग हमें मिलता है, आप जीभ से उसे स्पर्श भी कर सकते हैं, करके देखो, है कोमल है थोड़ा। यस मैम, हाँ, यस मैम। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पैलेट, सॉफ्ट पैलेट या फिर वेलम, ये कहाँ पर है, इसके लोकेशंस क्या है, एप्रोप्रिएट वो कौन सी जगह है जहाँ पर हम लोग वेलम शुरू करते हैं या पैलेट बोला जाता है। तो ये आज के लिए इतना काफी है, फिर कल हम लोग देखेंगे ये जो स्पेस यहाँ लिखा हुआ है और उसके एडजेक्टिव्स लिखे हुए हैं, तो लिप्स को हम लोग लेबियल बोलते हैं, तो कौन सी ध्वनिया ओष्ठ ध्वनिया कहलाती है, ओठ के द्वारा निर्मित होती है, तो ये देखेंगे। डेंटल ध्वनिया मतलब दंत ध्वनि किसे कहते हैं, कौन से अक्षर है जो, कौन से व्यंजन, कौन से स्वर है जिसे हम लोग डेंटल बोल सकते हैं, फिर ग्लॉटल कौन से है, लैरिंजियल कौन से है, ये सब हम लोग अभी कल इसके बारे में अभ्यास करेंगे। केवल और केवल क्या है, जब आपको मैं बताऊंगी कि ये बोल के बताओ, और उस वो स्वर जो है वो कहाँ से, या वो व्यंजन है या ध्वनि है वो कहाँ से उत्पन्न हो रही वो बताओ, इसलिए आपको ये जो चित्र दिख रहा है ना, ये डायग्राम अच्छे से याद होनी चाहिए। प्रशांत समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ, जैसे कि देखो हाँ, बेटा, जैसे कि मैं देखो बेटा, मैं प, मैंने क्या कहा, प, तो कौन सी ध्वनि हो गई ये, मैम लिप्स से आ रहा लेबियल, है, लेबियल, लेबियल है, लेबियल, ठीक है। लेबियल तो यस अब मैम। मैं कल आपको ऐसे ही बोल आपको बोल के ऐसे ही बोल बताऊंगी, बोल के आपने बताऊंगी, मुझे उसका प्लेस बताना है कि ये कहाँ से उत्पन्न हो रही है, या फिर उत्पन्न कौन हो रही से है, फिर कौन से अवयव अवयव उसमें काम में आ रहे हैं, काम में आ रहे हैं, यस मैम। ठीक है। जैसे कि जैसे द, कि मैंने कहा द, प्लेट्स मैम आ रहा है, डेंटल, डेंटल है, द डॉ द द डॉ द पक्का डेंटल है, पक्का, यस मैम। नहीं मैम, ठीक। वो टंग टिप, टंग टिप, हाँ, टंग टिप भी तो उसमें इन्वॉल्व है ना, तो उसे क्या कहेंगे। अभी अच्छा, अभी और एक बता, और एक एलोला बता, रिज, एल्वियोलर रिज। एल्वियोलर। चलो ठीक है, तो कल हम लोग ऐसे हम लोग देखेंगे ऐसे ही कि देखेंगे कौन कि से कौन साउंड से कहाँ से साउंड उत्पन्न कहाँ हो रहे से हैं। उत्पन्न एक आखिरी साउंड में हो बताती हूँ, सा श्वास नली, स, स, चलो गेस नहीं कर पा रहे, नो मैम, मैम श्वास नली से आ रही है, श्वास श्वास नली से आ रही है, नली से आ रही श, है, स, स, सा स, स, श्वास नली से आ रही है, इसका मतलब कहीं तो भी ग्लॉटिस से उसका संबंध हो सकता है ना, ग्लॉटिस से उसका संबंध हो सकता है स, क्योंकि केवल हम लोग बाहर ही हवा फेंक रहे हैं ना स में, यस स, मैम। स। सर चलो, तो ये इसको चलो कल तो देखेंगे इसको हम लोग, कर, ओके मैम। थैंक यू मैम।